आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। और एक बेहतरीन कार्यक्रम करने के लिए मैं अनिल सर और गालिब सर को हृदय से धन्यवाद देता हूं, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं कि शिक्षकों को आपने कुछ कहने का, अपनी अभिव्यक्ति एक मंच पर करने का अवसर प्रदान किया है। काफी अच्छा लगा। आपने जो भी नवाचारी शिक्षक थे जिन्होंने अपने विद्यालय में अच्छा काम किया है, उनके अनुभवों को सुनने को मौका मिला। अभी का जो समय है वह विद्यालयों में नवाचार करने का समय है, क्योंकि हमारी जो शिक्षण पद्धति है वह अभी भी काफी बदली हुई नहीं है। बच्चे जिस भाषा में, बच्चे जिस शैली में समझते हैं, उन शैलियों को, उन तरीकों को बहुत कम ऐसे शिक्षक हैं जो अपना रहे हैं। गिनती के दो चार शिक्षक हैं, बाकी के शिक्षक वही शैली, पारंपरिक उनका जो तरीका है बच्चों का वही है। तो इससे बच्चों को जिस मात्रा में अधिगम करना चाहिए, जो उनमें गुणवत्ता आनी चाहिए, वो नहीं आ पा रही है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि बिहार सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, शिक्षकों को बहुत अच्छा से प्रशिक्षण देने का कई आयोजन किए, कई प्रकार के प्रशिक्षण दिए गए, लेकिन उन प्रशिक्षणों का जितना असर हम शिक्षकों में होना चाहिए था उतना नहीं हो सका है। और बच्चों के लायक जो हमारी शिक्षण विधि होनी चाहिए थी, सिखाने का जो तरीका होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। यह विचारणीय है, इस पर ठहर कर गौर करने की जरूरत है कि हम अपनी शिक्षण शैली में सुधार करें, हम अपने तरीकों में बदलाव करें, ताकि बच्चे जो हमारे कक्ष में हैं, 100% बच्चे, वो सारे जो अधिगम प्रतिफल है उसको संप्राप्त कर लें, जो उनके लिए निर्धारित सीखने की चीजें हैं वह जान लें, समझ लें। क्योंकि सीखना तो एक सहज क्रिया है, एक वातावरण में अगर बच्चों को सिखाया जाए, वह वातावरण अधिगम के लायक हो, आनंददायक हो, कुछ करके सीखना हो, समूह कार्य हो, अगर हम इन विधियों का इस्तेमाल करें तो बच्चे सीखेंगे। लेकिन हम वह चीजें कर नहीं पा रहे हैं, कारण जो भी हो, तो इन कारणों पर विचार करना होगा। और इसी परिप्रेक्ष्य में नवाचार का महत्व बढ़ जाता है कि हम अब नवाचारी बने। नवाचार का मतलब यही है कि हम कुछ ऐसा आयोजन करें, हम कुछ ऐसा माहौल बनाएं, हम कुछ ऐसा प्रयोग करें जो बच्चों के सीखने में मदद करे, और वह जो प्रयोग हो वह बच्चों के रुचि के अनुसार हो, बच्चों के अधिगम को गति प्रदान करने वाला हो, बच्चों के लिए आकर्षक हो। तो यह जरूरत है हमारे पूरे बिहार के विद्यालयों के लिए कि हम अपनी कक्षा का संचालन में नवाचार का इस्तेमाल जरूर करें। और हमारे सामने बैठे हुए हैं गालिब सर, नवाचार क्या होता है और नवाचार के तरीके क्या हो सकते हैं, नवाचार का प्रयोग, नवाचार का आयोजन अपने विद्यालयों में कैसे किया जा सकता है, इसके लिए गालिब दादा ने बहुत से प्रयास किए और जगह जगह घूमकर शिक्षकों को इकट्ठा किया और नवाचार से जुड़ा। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि इनका स्नेह, आशीर्वचन, सहयोग, समय सब कुछ कुटुंबा प्रखंड को मिला और इनके नेतृत्व में यहाँ कबाड़ से जुगाड़ विज्ञान के अनेक प्रकार के मॉडल बनाने के लिए इन्होंने प्रथम संस्था को हमारे बीच लाया, कुछ मास्टर ट्रेनर को लाया और एक कुटुंबा के शिक्षकों को प्रोत्साहित किया, कुटुंबा के शिक्षकों को दृष्टि दिया कि आप इस तरह से नवाचार कर सकते हैं। हालांकि उसका फायदा हुआ है कुटुंबा प्रखंड को, पूरे जिला में, औरंगाबाद जिला में भी 3 प्रखंड का इन्होंने अपना जो ऊर्जा थी उसे आप लाभित किया है।
तो उसका असर हुआ, लेकिन जितना असर होना चाहिए था उतना नहीं हो सका, कारण तो रहे होंगे। लेकिन कुछ ऐसे शिक्षक जिनका अपना मोटो था, अपनी एक ललक थी, उन्होंने काम किया और अभी भी अपने विद्यालयों में वह काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो नवाचार अपने विद्यालयों में कर रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है, यह संख्या बढ़नी चाहिए। हर एक शिक्षकों का जुड़ाव इसे होना चाहिए, हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि हर एक शिक्षक नवाचारी बने। तो हमारे विद्यालय में, हमारे प्रखंड में कई प्रकार के अभी तक नवाचार हो चुके हैं, जैसे कबाड़ से जुगाड़ के लिए जमा कर उन्हें, उनसे विज्ञान का मॉडल बनाना, हम लोगों ने विज्ञान का मॉडल बनाया, बच्चों से बनवाया। हम अभिभूत हो गए जब बच्चे खुद से विज्ञान के छोटे छोटे मॉडल बनाकर दिखाए, कीलो का संतुलन, पेंसिल का संतुलन, भोंकू का गुब्बारा, ऐसे खुद से जब फेफड़ा, अस्थि कंकाल, दिल, मस्तिष्क, दूरबीन, ये सब चीजें बच्चे जब खुद बनाकर आए, मुझे लगा कि नहीं, नवाचार होने का यही तो फायदा है, बच्चे जुड़े, बच्चे सीखे विज्ञान के छोटी छोटी चीजों, विज्ञान के सिद्धांतों से उन्होंने अपने आप को जोड़ा और खुद से मॉडल बना, एक बहुत सुखद अनुभूति थी। ये हुआ, इसके बाद हम लोगों ने कुछ विद्यालयों में समानुभूति दर्पण करके एक नवाचार किया। समानुभूति मतलब कि बच्चों में समानुभूति, मतलब खुद की अनुभूति स्वयं महसूस करें बच्चे। तो आज जब सहिष्णुता समाप्त हो रही है, हम छोटी छोटी सी बातों पर उबल जा रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, आक्रोश भर जा रहे हैं, नफरत, ईर्ष्या, घृणा जैसे भाव हमें चरम रूप में विकसित हो रहे हैं, तो इस स्थिति में अगर बच्चों को प्रारंभ से ही समानुभूति का एहसास कराया जाए कि जो चीजें आपको पसंद नहीं है, अगर वे चीजें आप दूसरों के साथ करते हैं, आप वैसा व्यवहार दूसरों के साथ करते हैं, तो जिस तरह से आपको खराब लगता होगा उनको भी खराब लगता होगा, तो इसलिए आप ऐसा व्यवहार करें ही क्यों जो आपको अच्छा नहीं लगे। तो जब आपको अच्छा नहीं लगेगा, दूसरों को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि बच्चों को कहा कि आप अपनी कुछ सुखद अनुभूति और कुछ बुरा अनुभव आप एक पेज पर लिख करके लाएं, और मैंने, हम लोगों ने एक बॉक्स बनाया, समानुभूति कॉर्नर उसका नाम दिया, उस बॉक्स में आप लिख के डाल दें। हमारे यहाँ विद्यालय के 5-6 बच्चों ने डाला, अनेक और भी विद्यालय में ये कार्यक्रम हुआ था, हम लोगों ने मिलकर इस कार्यक्रम को चलाया था। तो उसमें ये हुआ कि बच्चे अपने खुद की बात को जब लिखे, और उन बातों को हम लोगों ने फिर जो चेतना सत्र होता है, प्रार्थना सभा होती है, उसमें जब उनका वाचन हुआ, तो जब उनकी अच्छी बातों को हमने सुनाया तो बहुत अच्छा लगा। तो एक तरीका है बच्चों को नैतिक मूल्यों से जोड़ने का, समानुभूति की भावना का विकास करने का। फिर हम लोगों ने, जैसा कि मनोज जी ने कहा कि हम अपने यहाँ बाल अखबार तैयार करवाया बच्चों से, दीवार अखबार करवाया, तो हमारे यहाँ भी विद्यालयों में बच्चों ने दीवार अखबार तैयार किया। अभी तक हम लोगों ने 5 अंक निकाला है और उसका शीर्षक दिया है हम लोगों ने बाल कलरव। तो बाल कलरव से 5 अंक हमारे विद्यालय में निकल चुके हैं, और बच्चों में ललक होती है चित्र बनाने की, निबंध लिखने की, कविता लिखने की, छोटी छोटी कहानियों को जुगाड़ करके लाते हैं, दूसरे किताबों से नोट करके, ठीक है नोट करके ही लाए, लेकिन मैं तो मानता हूं कि अपना उनका एक वस्तु है, उनकी अपनी एक संपत्ति है, उनकी अपनी एक रचना है, तो हमने उसको महत्व दिया। 5 अंक निकल चुके हैं, अच्छा है, बच्चों में रचनात्मक क्षमता का विकास हो, सृजनात्मक भाव का विकास हो, तो इसके लिए हम लोगों ने भी प्रयास किया है। हम लोगों ने क्या किया कि कई प्रकार के सरकार के ऐप हैं, जैसे कोरोना काल में पिछले साल विद्या वाहिनी ऐप आया था और उन्नयन ऐप आया था, मैंने क्या किया कि अपने पोषक क्षेत्र में घूम घूम कर बच्चों के अभिभावकों से संपर्क किया, उनका मोबाइल लिया, और विद्या वाहिनी ऐप और उन्नयन ऐप, दो ऐप उनके मोबाइल में डाउनलोड किया, और उस समय मेरा दूरदर्शन, मेरा विद्यालय भी आ रहा था, तो उसका भी हम लोगों ने समय समय पर, 9 बजे से शुरू होता था, तो उनको बताया कि 9 बजे से शुरू होता है, आप बच्चों के साथ बैठ कर देखिए, आप जो सिनेमा देखते हैं, धारावाहिक देखते हैं, उसके स्थान पर अगर आप बच्चों के क्लास ऑनलाइन चल रहा है तो आप उसको भी देखिए, दिखाइए,
तो ये प्रयास हमने किया। अभी ई लॉट्स जो ऐप बिहार सरकार द्वारा जो विकसित किया गया है, जो ई लाइब्रेरी ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स के लिए है, ई लॉट्स, ई लाइब्रेरी ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, बच्चों और शिक्षकों के लिए एक ऐप बनाया गया है। उस ऐप में बच्चों के लिए कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक के सभी पाठ्य पुस्तकें हैं, उनसे संदर्भित वीडियोज हैं, उससे संदर्भित और भी अन्य एनसीईआरटी के बुक हैं, और भी जो भी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए जो भी सामग्री बिहार सरकार के द्वारा विकसित हुआ है वो सारी सामग्रियां वहां पर हैं। टीचर्स के लिए रिसोर्सेज क्या क्या है, शिक्षक साथी है, और भी चहक है, कैचअप कोश है, तो सारे मटेरियल हो, तो वो बहुत ही अच्छा ऐप है। उस ऐप को अभी तक हम कई बच्चों के अभिभावकों से संपर्क करके उनके मोबाइल में वो ऐप डाउनलोड करवाया है और देखने के लिए प्रेरित किया है। यह बात सही है कि अभी भी डिजिटल डिवाइस सभी घरों में नहीं है, सभी घर डिजिटल डिवाइस से, एंड्रॉयड सेट से, लैपटॉप से वंचित हैं। मेरा आकलन है, मैं जब घूमा, भ्रमण किया अपने पोषक क्षेत्र का, तो 10-20% लोगों के पास ही एंड्रॉयड सेट या डिजिटल डिवाइस है, बाकी 80-85% के पास नहीं है। लेकिन 10-15% ही अगर लोग लाभान्वित होते हैं तो उसके सहारे और भी बच्चे लाभान्वित होंगे। हालांकि बिहार सरकार ने डिजिटल डिवाइस देने का विचार किया है, और ये डिजिटल डिवाइस, मेरा मानना है कि जिस तरह से हम रोग के लिए, बीमारी के लिए अभिभावक जिस तरह से तैयार होते हैं, जब बीमारी आती है घर में, बच्चे बीमार पड़ते हैं, अभिभावक बीमार, परिवार के अन्य सदस्य बीमार पड़ते हैं, तो उसके लिए हम 10-20,000, 50,000, 1,00,000 तक खर्च कर सकते हैं। तो जिस तरह से हम स्वास्थ्य के लिए सजग होते हैं, सतर्क होते हैं, और 50,000 रुपया खर्च करने के लिए भी हम मजबूरी में ही सही तैयार होते हैं, उसी तरह से मेरा मानना है कि स्वास्थ्य के बाद शिक्षा का भी महत्व परिवार को देना चाहिए, परिवार के सदस्यों को देना चाहिए। और घर में एक मोबाइल बच्चों के लिए जो एंड्रॉयड सेट हो, जिससे वह ऑनलाइन कक्षा जो चल रही है, या हम लोगों ने कुछ ग्रुप्स बनाया है, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, उसका लाभ बच्चों को मिले। हालांकि यह बात सही है कि जो फेस टू फेस क्लास ट्रांजेक्शन है उसका कोई विकल्प नहीं हो सकता है, लेकिन जब कोरोना काल हो और इस घड़ी में जब विद्यालय शिक्षण बाधित हो, बच्चे और शिक्षक में दूरी हो, बच्चे घर पर हो, शिक्षक विद्यालय अगर हैं तो उनके पढ़ाने के लिए बच्चे उपस्थित नहीं हो, ऐसी दशा में बच्चों के लर्निंग लॉस को कुछ क्षतिपूर्ति करने के लिए, भरपाई करने के लिए ऑनलाइन एक तरीका है, ऑनलाइन एक माध्यम है जिसके सहारे हम बच्चों को कुछ पढ़ा सकते हैं। मैं अभी ऑनलाइन क्लास प्रतिदिन लेता हूँ। फेसबुक पेज पर मैं आता हूँ, अपने फेसबुक पेज पर अभी 2-3 दिन से मैं 9 बजे आ रहा हूँ, इसके पहले मैं 10 बजे आता था। अभी तक हम 27 दिन का क्लास मैंने लिया है, और उसका जो फेसबुक पेज का जो लिंक होता है, जो मेरे ऑनलाइन क्लास का होता है, उससे मेरे पास करीबन 10-15 बच्चों का व्हाट्सएप आया हुआ है, मैं उस पर उसको लिंक को सेंड कर देता हूँ। मैं अपने विद्यालय के शिक्षक से, चंदन चांद सिंह हैं, नीलम कुमारी हैं, रेणु जी हैं, उनको मैंने कहा है कि आप पेज पर ही सही कुछ क्वेश्चंस को आंसर्स लिखिए और मैं उनको ट्रांसफर करूंगा, तो मैं उनको ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो अभी ऑनलाइन जो एक माध्यम है बच्चों से जुड़ने का, शिक्षकों का बच्चों से अपना संपर्क बनाए रखने का, उसका हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। और ये बात सही है कि बहुत से बच्चे अभी भी वंचित हैं, कुछ ही बच्चे जो हैं इससे लाभान्वित हो रहे हैं, लेकिन डिजिटल डिवाइस, जैसा कि मैं कह रहा हूँ, सभी परिवार को कम से कम एक एंड्रॉयड सेट बच्चों को देना चाहिए, क्योंकि वही अभी के युग में तरीका उनका है पढ़ाई लिखाई से जुड़ने का। हालांकि ये बात सही है कि मोबाइल का कुछ नकारात्मक प्रभाव भी है, उन पर आंखों का भी कुछ असर हो सकता है, उनकी आंखों पर ये सब नकारात्मक प्रभाव हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जुड़ने का एक तरीका हो सकता है। तो इस तरह से मैं कई प्रकार के नवाचार किया जिसका लाभ बच्चों को मिला है, लेकिन कुछ समस्याएं भी आई हैं।
मेरे द्वारा जो नवाचार किया गया ऐसा नहीं कि सब कुछ अच्छा रहा, सब कुछ सकारात्मक रहे, ढेर सारी चीजें ऐसी थी जिसको झेला गया। अब है कि एक माहौल नहीं है। अगर एक दो शिक्षक हैं अपने विद्यालय में कर रहे हैं तो दूसरे शिक्षक को अच्छा नहीं लगता है, उनका टांग खींचेंगे, उनकी शिकायत करेंगे, उनके बारे में प्रोपेगंडा बने कि देखिए अपने हाईलाइट होने के लिए ऐसा कर रहे हैं, इससे क्या लाभ होगा, ये कुछ नहीं है। तो ये जो माहौल हमारे यहाँ नहीं बन पा रहा है, तो सबसे बड़ी चीज है कि माहौल का बनना। अगर विद्यालय के सारे शिक्षक अगर नवाचार में विश्वास करें, नवाचार से जुड़े, तो समस्या ये नहीं आएगी और माहौल बदलेगा। तो एक जो माहौल की कमी है ये बड़ी समस्या है इस क्षेत्र में। दूसरी समस्या है कि विभाग का सपोर्ट उतना नहीं मिलता है। आप नवाचार कर रहे हैं तो ठीक है, आप अपने स्तर से कर रहे हैं, हालांकि अभी भी कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं, ऐसे वरीय अधिकारी हैं जो आपके कामों को सराहना करते हैं, आपके कामों को अच्छा बताते हैं। अभी हमारे यहाँ राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी संजय कुमार हैं, वो अपना हर दिन एक पेज लिखते हैं, एक ग्रुप बनाए हुए हैं, और हम लोगों के जैसे जो शिक्षक नवाचार करते हैं उनको वो दो शब्द ही बहुत बढ़िया ये कहकर ही हम लोगों को उत्साहवर्धन करते हैं। तो जो एक वरीय पदाधिकारियों की तरफ से एक जो सहयोग होना चाहिए, जो एक अनुसमर्थन होना चाहिए, मेरा मानना है कि उनके तरफ से भरपूर हो। प्रशंसा के लिए केवल दो शब्द, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा किया, हमें कोई आर्थिक मदद की उतनी जरूरत नहीं, और भी संसाधन की कोई जरूरत नहीं, कोई पुरस्कार की जरूरत नहीं, लेकिन बस केवल आपका एक सहानुभूति चाहिए, आपका एक प्रोत्साहन चाहिए, बहुत अच्छा। तो ये अगर शिक्षकों में मिले, हमारे जो अधिकारी हैं अगर उनका प्रोत्साहन शिक्षकों को मिलता है, तो मैं नहीं समझता हूं कि नवाचार का ये जो काम है, ये जो अभियान है, वो बड़े फलक पर नहीं आ सकता है। एक वहां कमी है। दूसरा, मीडिया का जिक्र आ रहा था, तो ये सही है कि मीडिया के से जुड़े सारे लोग खराब हैं, ऐसा नहीं है। मीडिया के कुछ लोग अच्छे भी हैं, जो पॉजिटिव न्यूज, जो शैक्षिक खबरों को अपने अखबार में स्थान देते हैं, जैसे औरंगाबाद का मीडिया शैक्षिक खबरों को भरपूर स्थान देते हैं, हमें कोई शिकायत नहीं रहती। हो सकता है अब और जगह में ऐसा नहीं हो, लेकिन मीडिया का भी प्रोत्साहन जरूरी होता है। मीडिया में बातें आनी चाहिए। मेरा मानना है कि आप करते हैं उसका दस्तावेजीकरण हो, उसका वीडियोस बनाइए, उसका फोटोज बनाइए, और आप दूसरे लोगों को भी साझा करिए। तो अखबार एक माध्यम है, सोशल मीडिया एक माध्यम है कि आप जो कर रहे हैं उससे दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिले, दूसरे लोगों को भी सीख मिले, लोग भी उस नवाचार को करें, उसके नवाचार को जाने, अपने यहाँ प्रयोग करें। दृष्टि विस्तार करने के लिए, अपनी समझ को और पैना बनाने के लिए, धारदार बनाने के लिए सोशल मीडिया का भी सहारा लिया जाना चाहिए। तो ये एक तरीका। दूसरा है कि आर्थिक संसाधन जैसे विद्यालयों को मिलना चाहिए, जैसे अभी डिजिटल डिवाइस कई विद्यालयों में नहीं है, जैसे अभी स्मार्ट क्लास उन्नयन के अंतर्गत हाई स्कूलों में भी टीवी दिया गया है, वहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन प्राइमरी और मिडिल के लिए कोई योजना नहीं है। तो मेरा मानना है कि सभी स्कूल, प्राइमरी हो, मिडिल हो, वहां का एक न एक एलईडी टीवी, एक न एक डिजिटल, एक आईसीटी का संसाधन जरूर होना चाहिए, ताकि बच्चे उससे, उसके माध्यम से सरलता से, सहजता से, अनेक प्रकार के शिक्षकों के द्वारा जो बनाए गए वीडियोज हैं, शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा बनाए गए जो वीडियोज हैं, शिक्षकों के द्वारा बनाए गए हैं, विभाग के द्वारा बनाया गया है, उनका पूरा पूरा लाभ बच्चों को मिले। क्योंकि ऑडियो वीडियो एक ऐसा माध्यम है जो बच्चों को आकर्षित करता है। तो मेरा मानना है कि बिहार सरकार को जरूर बिहार के सभी विद्यालयों को आईसीटी के संसाधन मुहैया कराना चाहिए, ताकि बच्चे शिक्षक नवाचार करने के लिए प्रेरित हो सके। तो यही कुछ समस्याएं। अभिभावकों का भी कभी कभी उदासीन ऐसा मिल जाता है कि उनका सपोर्ट नहीं मिल पाता है, लेकिन हम ये समझते हैं कि बच्चे जिस पृष्ठभूमि से आ रहे हैं, बच्चे जिस घर से आ रहे हैं, उस घर में शिक्षा का वो स्तर नहीं है, शिक्षा का वो माहौल नहीं है, उनको खराब भी लग सकता है हमारा नवाचार, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हम बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए
हम नवाचार करें। लगता है मेरी बात समाप्त करने का समय आ चुका है। मैं सभी को धन्यवाद देते हुए, मैं सभी को प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं, और इस तरह का कार्यक्रम जरूर चलते रहना चाहिए और इस दिशा में हम आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सादर प्रणाम। शुक्रिया चंद्रशेखर जी, बहुत अच्छा आपने प्रयास किया। प्रयास होते हैं तो सफलताएं मिलती हैं, और दीपक जहां जलता है मैं यह मानता हूं कि कुछ ही दूर तक हो मगर रोशनी होती है। इसके बावजूद मैं इस बात को हमेशा यह मानता हूं कि अगर दुनिया को रोशन करना है तो सूरज का होना जरूरी है। दियों से दुनिया को रोशन नहीं किया जा सकता है। यह विवाद का हमेशा विषय रहा है, लगातार इस पर बहसें होती रही हैं कि व्यक्तिगत प्रयासों की कितनी भूमिका है और सरकार के प्रयासों की कितनी भूमिका है। यह हमेशा कि अगर समाज की तस्वीर को बदलना है तो वह सरकार करेगी या व्यक्तिगत प्रयासों से, और दुनिया के हजारों वर्षों का इतिहास यह प्रमाणित करता है कि व्यक्तिगत मुक्ति की आकांक्षा से कभी समाज की मुक्ति नहीं हुई है। उसके व्यक्तिगत मुक्ति के प्रयासों से कभी समाज की मुक्ति नहीं हुई है। यह बौद्ध दर्शन के बुद्ध के पहले से लेकर आज तक का इतिहास यही कहता है कि हम अपने प्रयास से एक स्कूल को बेहतर बना सकते हैं, लेकिन हम पूरे बिहार और पूरे हिंदुस्तान के स्कूल को बेहतर नहीं बना सकते हैं। तो इसमें सरकार की तो महत्व भूमिका हो ही जाती है, इसमें कहीं किसी संदेह की बात नहीं है, लेकिन यह बात कहीं निरुत्साहित करने वाली एकदम नहीं है कि हम अगर सरकार इस तरह का प्रयास नहीं कर रही है या पिछड़ रही किसी कारण से रही है, दिया जलाना छोड़ दे, क्या हम मशाल जलाना छोड़ दें, क्या हम आगे बढ़ना छोड़ दें। यह ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर वह रविंद्रनाथ ठाकुर की उस कविता को याद कीजिए कि सूरज जब डूबने जा रहा था तो याद उसने वह चिंतित हो गया, उसने कहा कि मेरे बाद इस दुनिया को कौन रोशन करेगा। एक छोटा सारे चांद सितारे सारे चुप रहे, एक छोटा सा दिया सामने आया और उसने कहा कि ये सूरज आप जब चले जाएंगे तो इस दुनिया को भरसक में रोशन करने की कोशिश करूंगा। आप उसी रविंद्रनाथ की उसी कविता के उसी दिए की तरह अपने अपने क्षेत्रों को रोशन कर रहे हैं। शुक्रिया।